मोक्ष मार्गस्य नेतारं वितारं कर्म भूगतां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वन्दे तत्त्वार सूत्र ग्रंथ में अपनी चर्चा इस बारे में चल रही थी कि हिंसा के कौन कौन से डायमेंशन होते हैं, बराबर। और बात उसमें ये अच्छी दिलचस्प आई थी कि हिंसा एक्चुअल में प्रमाद परिणाम है। हिंसा क्या है? प्रमाद परिणाम। और प्रमाद परिणाम का मतलब जैन धर्म में प्रमाद की परिभाषा भी अलग है। जैन धर्म में प्रमाद की परिभाषा भी बड़ी अलग टाइप की है। जैन धर्म के अनुसार अच्छे कार्यों में अनादर का होना, अच्छे कार्यों में अनादर का होना वो प्रमाद है। अब थोड़ा समझने वाली बात वहां पर ही आती है कि अच्छे काम मतलब क्या। तो अच्छे काम का निर्णय भूमिका अनुसार होता है, बराबर। जैसे ABCD सुनाना अच्छा के बुरा है, तो बोले अगर 2 साल का बच्चा सुना रहा है ABCD बिना अटके तो अच्छी बात है, और 20 साल का बच्चा सुना है तो बुरी बात है। बुरी तो नहीं कह सकते, लेकिन विशेष बात नहीं। ऐसे ही हम अगर स्वाध्याय आदि कर रहे हैं तो एक एंगल से हमारा पुरुषार्थ है, लेकिन दूसरे एंगल से आत्मा से हीन होने के कारण ये भी प्रमाद है। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए उसमें भी किसी ना किसी प्रकार से कहीं हिंसा होने की बात आती है, ठीक है। यही सब बातें थोड़ी हमने विचारणी रखी थी और ये समझने की कोशिश की थी कि भाई हिंसा अहिंसा को बहुत व्यापक रूप में अपने को समझना चाहिए। कल एक प्रश्न जैसे आया था इस बारे में कि भाई आपने कल एक बात छेड़ी कि ब्लड डोनेट करना, ना ये करना ना वो करना, बहुत सारी बात है। बहुत सारे लोगों को प्रश्न होता है कि आपने जैन धर्म के हिसाब से ये भी कहा कि ब्लड डोनेट भी जिनवाणी में मना किया गया है, और ये बात मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में कही थी? ये बात मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में कही थी कि एक तरफ अनंत भगवान के शरीर के सारे जीवों का घात हो जाता है तो भी उन्हें हिंसा नहीं कही जाती, और दूसरे तरफ हम लोगों को अगर सुधारने संभालने के लिए बात कही जाती है तो ये तक कहा जाता है कि भाई तुम अगर किसी को खून भी देते हो तो भी वो एक प्रकार की हिंसा है। दोनों के बीच में समानता क्या है? देखो, पहले नंबर बात आ रही है श्रद्धान की, बराबर। और श्रद्धान में समझने वाली बात ये है कि पहले मैं किसी को मार सकता हूं और मैं किसी को बचा सकता हूं, इस बात की इस मान्यता का त्याग करना, बराबर। ठीक है, पंडित जी कर दिया, लेकिन खून देना कि नहीं देना? तो मैं आपको ये बताता हूं कि खून ब्लड डोनेशन के खरे अर्थ में अधिकारी तो हम तब हैं कि जिस दिन हम ये शपथ लें कि आज से हम खून लेंगे भी नहीं, मतलब हमारा देह के प्रति राग इतना कम हो जाए कि अगर कोई हमें कुछ चोट लगे और डॉक्टर कहे कि नहीं इस चोट के निवारण के लिए आपको ब्लड लेना पड़ेगा, तो आप कहें कि ये देह चले या ना चले, लेकिन हम उतने सारे जीवों का घात नहीं कर सकते। तो जब आप खून नहीं लेने में पक्के अर्थ में दृढ़ हैं, तभी आप इस अर्थ में दृढ़ होना चाहिए कि भाई मैं किसी को ब्लड डोनेट भी नहीं करूंगा। बात समझ में आई कि क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड थोड़ी चलेगा कि मुझे चाहिए तो कोई डोनेट करे लेकिन मैं किसी को डोनेट नहीं करूंगा, है? पॉइंट ख्याल में है कि नहीं? मुझे चाहिए है तो मैं किसी को दे दूं, नहीं दूंगा, किसी से भी ले लूंगा, लेकिन देने की बात आएगी तो ये कहूंगा कि नहीं भाई ये तो हिंसा, ये तो पाप। तो अगर ब्लड को देना उसमें भी प्रमाद परिणाम के कारण हिंसा हो रही है, तो ब्लड को लेने में भी हिंसा हो रही है। तो जो सच्चे अर्थ में त्यागी होगा वो दोनों रूप का त्यागी, लेने का भी और देने का, बराबर।
नहीं तो फिर जैसा आपको उचित लगे, देश काल परिस्थिति के हिसाब से, अनिवार्यता के हिसाब से आप निर्णय ले सकते। ठीक है, ख्याल में आया? इतल बेन आपनों पर प्रश्न हतो, थोड़ी की एक बात क्लियर थी कि आ वात जुदी छे। अहीं आपणे ए समझवू छे कि खरेखर जे खून नहीं मळे तो हूँ मरी जईश, ने हूँ कोई ने खून आपी दईश तो ए जीव बची जशे। ए मारू छू हूँ के हूँ बचाऊ छू, ए मारू छू ने बचाऊ छू, ए बन्ने भाव मिथ्यात्वना महापाप छे। ख्याल मां छे कि समझा कि नहीं? मतलब तो आपने तो सौथी पहला ए मिथ्यात्वना महापाप नो त्याग करवानो छे, पछी जे समय जेवा राग आदि भाव थाय ए प्रमाणे करो, ए कई बहु अगत्यनो प्रश्न नथी। पण मुद्दा आटलू समझवानी वात नहीं, विशेष रूप थी आ। ठीक छे ने? अबे थोड़े और अपन आगे चलते हैं और हिंसा का एक नया कॉन्टेक्स्ट अपन समझते हैं। कौन सी? कि हिंसा के दो और प्रकार होते हैं जिसे अपन ने यहाँ पर समझा था। देखो यहाँ पे अपन ने हिंसा को समझा था ना कि प्रमाद योग प्रमत योग हुआ। अब हिंसा के और क्या प्रकार होते हैं वो समझते हैं। बोले हिंसा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा, बराबर। अब दूसरे नंबर द्रव्य हिंसा भी दो प्रकार की हो रही, स्वापर के घात रूप, और भाव हिंसा भी दो प्रकार की हो रही, स्वापर के घात। एक बार मैं एक स्थानक वासी बहन के यहाँ पर क्लास लेने के लिए गया, पढ़ा उनको जिज्ञासा थी, तो वो इस बात को लेने के लिए उन्होंने बुलाया कि पंडित जी हमें कुछ जानना है। मैंने ठीक है बढ़िया है। तो उनका पहला प्रश्न यही था कि हम आपके स्वाध्याय में आना चाहते हैं लेकिन आपके यहाँ पर तो पंखा चलता है। क्या होता है? पंखा चलता है, और पंखा चलता है तो हम आना चाहते हैं तो हिंसा होती है, तो हम कैसे हिंसा में आए? तो मैंने उनको फिर वहां पे यही समझाने की बात कही थी। मैंने देखो हिंसा होती है, इसका मैं खंडन नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको स्वाध्याय में आना है तो आप जैसे ही पात्र जीवों के लिए मैं मेरा पंखा बंद रखता हूँ। है ये तो मैंने बहुत पहले ही प्रतिज्ञा ले ली थी मंदिर में, जब मैं लोगों का पंखा स्लो करवाता था तो मुझे दुख होता था, तो मैंने कहा कि अब मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मेरे ऊपर तो पंखा मैं नहीं चलाऊंगा, चाहे मई का महीना हो चाहे जून का महीना हो। तो तब से लगभग लगभग मेरी ये प्रतिज्ञा चल रही है कि अगर आपको वास्तव में सुनने की जिज्ञासा है और आप ये चाहते हो कि मात्र हिंसा के दोष के कारण आप नहीं आते हो, तो स्वाभाविक रूप से आप मेरे पास में आके बैठो, मेरा पंखा बंद रहता, दूसरों को मैं दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन स्वयं के ऊपर तो मेरा हक। दूसरे नंबर की बात फिर मैंने उनको ये समझाया कि मैंने आप हिंसा को थोड़े ब्रॉड वे में समझो। आप ये कहते हो कि इसके चलने से हिंसा हो, 100% हिंसा है, लेकिन हिंसा मात्र इतनी नहीं है। हिंसा तो आप किसी भी रूप में कर रहे हो, द्रव्य हिंसा भी होती है, भाव हिंसा भी होती है। आपने वो द्रव्य हिंसा को तो रोकने की व्यवस्था कर ली, लेकिन भाव हिंसा को कैसे रोकू? और भाव हिंसा को रोकने की औषधि तो तत्व ज्ञान है। कोई व्यक्ति अगर तत्व ज्ञानी नहीं है, बराबर, आत्मा परमात्मा के स्वरूप को वो नहीं समझता है, तो किसी भी कंडीशन में उसके अंदर की जो राग द्वेष पना है वो रुकेगा नहीं। 100% सत्य बात है। फिर से क्या बोल रहा हूं, जब तक आपके लिए अंदर में तत्व ज्ञान नहीं, चलो मैंने लाइट भी बंद कर दिया, पंखा भी बंद कर दिया, अंधेरा कर दिया एकदम, अब मन में क्या चल रहा है? मन में ये चल रहा है कि इससे मुझे पुण्य बंधेगा, इस पुण्य से मुझे ये होगा, उससे मुझे वो होगा। राग आदि भाव चल रहे हैं, द्वेष आदि भाव चल रहे हैं, तो राग द्वेष वाली जो हिंसा है, जो भाव हिंसा है, वो भाव हिंसा कैसे रुकेगी? क्योंकि द्रव्य हिंसा को बचाने का तो उपाय आपने देख लिया, कौन सा? कि भाई पंखा नहीं चलाना। लेकिन भाव हिंसा को कौन बचाएगा और कैसे बचाएगा? भाव हिंसा की वैक्सीन तो तत्व ज्ञान है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? भाव हिंसा की वैक्सीन क्या है? तत्व ज्ञान। और तत्व ज्ञान जिसके लिए नहीं है वो किसी कीमत पे भाव हिंसा से बच नहीं सकता, और तत्व ज्ञान बिना स्वाध्याय के नहीं होता, और स्वाध्याय के लिए
नियम होता है कि भाई आप थोड़ा बहुत क्या कहते हैं प्रकाश में पड़े हैं, ये जो बात है मतलब थोड़ी बहुत तो वहां पे ऐसा होगी। और दूसरे नंबर की बात, तो स्वयं की भावहिंसा रोकने के लिए स्वाध्याय जरूरी, बराबर। दूसरे नंबर, अन्य की भावहिंसा, अन्य के प्रति भी राग द्वेष आदि परिणाम कब रुकेंगे, जब आप स्वाध्याय करोगे। अन्य की द्रव हिंसा, तो द्रव हिंसा में भी हमने ये बताया था कषाय आदि परिणाम जो है वो द्रव हिंसा का कारण तो भावहिंसा है। आपके अंदर में किसी के घात करने के भाव होते हैं तो आप बाहर जाकर घात करते हैं, अगर घात करने के भाव ही ना होंगे तो बाहर कैसे घात करें। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि अंदर में तत्व ज्ञान के बिना ना तो बाहर की द्रव हिंसा स्व पर की रुक पाएगी और ना भाव हिंसा स्व पर की रुक पाएगी। इसीलिए टोडरमल जी साहब से जब किसी ने प्रश्न किया कि भाई अहिंसा धर्म है तो ये जो राग आदि साधनों के द्वारा आप जो जिनवाणी के माध्यम से थोड़ी बहुत हिंसा होती है, ये जो हम बैठ के सुन रहे हैं ये भी हिंसा है, तो ये क्यों उपयोग करते हो, तो सबसे पहला प्रश्न तो हम ये करेंगे कोई दूसरा उपाय बताओ, कोई दूसरा उपाय बताओ जिससे हिंसा ना हो और काम हो जाए। तो ऐसा निर्दोष उपाय तो हमें दिखाई देता, बराबर। दूसरे नंबर की बात, निर्दोष उपाय नहीं है। टोडरमल साहब ने फिर कहा एक गजब बात है कि हमें अहिंसा पसंद है लेकिन वीतरागता उससे अधिक पसंद, क्योंकि अहिंसा तो परंपरा से धर्म होता है और वीतरागता साक्षात धर्म है। ये लाइन ख्याल में आई, क्या बोला एतलबेन, बड़ी सुंदर लाइन है। क्या क्या है कि दो दो चीजें हैं, हमें अहिंसा पसंद है, हम अहिंसक रहना चाहते हैं लेकिन वीतरागी होना अधिक पसंद। क्यों? क्योंकि अहिंसक होना वीतरागता का साधन है और वीतरागता स्वयं साध्य है। तो कहते साहब ये अहिंसा परमो धर्म है, पहले नंबर की बात। तो टोडरमल साहब ने वहां पे कहा कि एक नंबर की बात कि अहिंसा परमो धर्म ये जिनवाणी का सूत्र नहीं, आपको पता है ये महाभारत का पर्व। अहिंसा धर्म, अहिंसा परम धर्म है ये महाभारत की बात, और जब इसको आप जैन धर्म के कॉन्टेक्स्ट में लगाएंगे अहिंसा को, तब वहां अहिंसा की परिभाषा भी जैन धर्म की आएगी। महाभारत की सूक्ति को अगर आप अहिंसा से समझेंगे तो महाभारत में तो ये भी कहा है कि शत्रु के धर्म की स्थापना के लिए अगर किसी को मारना पड़े तो वो अहिंसा ही है, हिंसा ही। महाभारत ने तो ये सिखाया, कृष्ण जी ने यही तो करवाया था कि अर्जुन बेचारा दीक्षा लेने के मूड में आ गया था, नहीं चल लड़ क्योंकि तू मार ही नहीं रहा। तो नया तो धर्म की स्थापना के लिए अगर हिंसा करना पड़े तो वो अधर्म नहीं धर्म है, वो महाभारत का पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जैन धर्म का पॉइंट ऑफ व्यू तो हमेशा से एक रहा है, कौन सा, कि भाई अहिंसा किसी भी रूप में धर्म है, ये बात सही है, लेकिन वो अहिंसा जैन धर्म वाली अहिंसा। और जैन धर्म की अहिंसा क्या है, तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय याद आ जाता है, याद आता कि नहीं आता, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय क्या है, कहा था वहां की आप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जनागमस्य संक्षेपा, कि आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना वही हिंसा है। तो रागादि भाव से रहित होना वो क्या है, वितरागता। तो वितरागता को अहिंसा कहो, अहिंसा को वितरागता कहो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि अहिंसामयी वितराग धर्म है। लेकिन जब आपकी अहिंसा की परिभाषा सीमित होकर मात्र द्रव हिंसा पर वो सीमित रह जाती है, तो हमें कहना पड़ता है कि भैया अहिंसा इतनी सीमित नहीं है कि आप उसे मात्र ये द्रव हिंसा से जोड़ के चलो, इसके भाव हिंसा वाले एस्पेक्ट भी विचारणी। ठीक है, यहाँ पे किसी को इतनी बात में कोई प्रश्न है, है? नहीं है ना, वो भी नहीं सकता, बहुत अच्छी बात है।
देखो आगे अपन कहते हैं हिंसा की चार बात। हिंसा द्रव्य हिंसा स्व पर के द्रव्य प्राणों का घात, मतलब जब द्रव्य हिंसा के अर्थ में स्व हिंसा समझोगे तो वहां पर आत्मघात को, अंग भंग को स्व के एंगल से द्रव्य हिंसा कहा जाए, और जब प्राणघात की बात आएगी दूसरों के तो पर से द्रव्य हिंसा क्या होगी? बोले जब आपके कार्यों के द्वारा किसी पर जीव के प्राणों का घात हो रहा। प्राणों का घात मतलब आपने जोर से बोला ना, तो वो भी हिंसा है। क्यों? क्योंकि जब आप जोर से बोलते हैं तो सामने वाले के श्वास प्रश्वास हिल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? श्वास प्रश्वास हिल जाते हैं, मतलब उसके प्राणों का घात होता है। और प्राणों का घात होता है तो हिंसा नहीं होती, वो हिंसा हो जाती है। बात आई समझने के लिए? इसीलिए यहाँ पे कह रहे यहाँ क्लियर कहा कि प्राणों का घात होने से वो क्या हो जाती है? वो भी हिंसा हो जाती है। मारना तो दूर की बात, किसी के प्राण पीड़ित करना, यहाँ तक किसी के बारे में अगर आपने अन्यथा विचार भी किया तो भी एक प्रकार की हिंसा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पर इसीलिए अगर द्रव्य हिंसा का पूरा पालन करना हो तो द्रव्य हिंसा के पालन करने के लिए केवल फिजिकली आप रुकने से पूरा नहीं कर पाएंगे, वाचिक रूप से भी आपको क्या करना है? अहिंसा का पालन करना है। और सबसे बड़ी बात, मानसिक रूप से कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी के भी प्रति अहित का विचार नहीं। समझ में आया क्या बोला? ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं, बिल्कुल भी अलाउड नहीं। देखो और अगर सारी दुनिया से करती ना, दुनिया तो बहुत होती, कोई थोड़ा गलत काम कर देते ऐसी बातें बोलते कि भाई उसे तो बीच बाजार में फांसी दे देनी चाहिए, उसे तो ये कर देना चाहिए। तुम अनुमोदन मत करो भैया, दुनिया जिस तरीके से कर रही है उसे करने दो, दुनिया के लिए हम थोड़ी ठेकेदार है, मगर हमारे परिणामों के हम ठेकेदार है। जहां कहीं पे भी आपको ऐसी बातें चल रही हो, आप शांति से धैर्य के साथ में उन बातों में अनुमोदन ना, तालिबानी शासन की खिलाफ और क्या कहते हैं भलामण बिल्कुल भी ना। थोड़ा बहुत भी हम गलत काम देखते हैं तुरंत ऐसे बोल देते हैं फांसी पे लटका देना चाहिए, मार देना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए, वगैरह वगैरह। ऐसी बातें अपने को नहीं करनी चाहिए, ठीक है? क्यों ऐसा? क्यों पाप करने वाले के बारे में बुरा क्यों नहीं विचारना है? क्योंकि देखो जैन धर्म क्या कहता है, जैन धर्म सिखाता है कि देखो पाप करने वाला तुम्हें आज पापी लग रहा है, कल वो तुमसे भगवान बन सकता है। पता है कितने शास्त्रों में एग्जाम्पल है कि पंडित जी तो रह ही जाए और ना जाने जो आज पापी दिख रहा है वो पुरुषार्थ करके भगवान बन जाए। अंजन चोर को आपने फांसी पर चढ़ा दिया होता तो क्या वो निरंजन बन पाता? कीचक को आपने फांसी पर चढ़ा दिया होता पर स्त्री से लंपट था तो क्या भगवान बन पाता? आप प्रथमा ने पढ़ो ना तो पता चले कि कैसे 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 हो गए। इसीलिए हमें किसी के बारे में ये विचारने का हक नहीं है कि इसको तो मार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कितना भी भोगी हो, कितना भी पापी हो, ये आत्मा का वैभव ऐसा है ना कि जो आत्मा के नजदीक पूरे टाइम के लिए भी आता है वो परमात्मा बन ही जाता है, ये आप मान के चलो। तो किसको कब चांस मिलेगा और कौन कब अपने में आ जाए और हम ऐसे भगवान की हत्या की अनुमोदना करते हैं, ये बात ठीक नहीं। बराबर? तो क्या करें? दंड देने के बारे में विचार करें कि नहीं करें? पहले नंबर तुमको दंडाधिकारी किसने बनाया? इलीगल क्यों तुम जा रहे हो? अगर तुम्हें जज बनाए, अगर तुम्हें पुलिस इंस्पेक्टर बनाए, मजिस्ट्रेट बनाए, तो फिर ये प्रश्न आएगा कि भाई मृत्यु दंड देना कि नहीं देना। जब तुम कुछ हो ही नहीं तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों करते? तुम्हें जब बनेगा तब देखी जाएगी, अभी से क्यों उचकते हो? अच्छी बात है, व्यर्थ में पाप बांधना थोड़ी ठीक बात है। इसीलिए ऐसी विषयों पर मौन रहना चाहिए, अनुमोदना व्यक्त नहीं करनी चाहिए, ठीक है? बराबर? समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत जरूरी है सब चीजें समझना, वरना गाडरिया प्रवाह में आकर हम कुछ भी कर जाते हैं, है ना? चलो
अब ये हुई द्रव हिंसा के बारे में, फिर भाव हिंसा के बारे में क्या कहते हैं? बोले भाव हिंसा की में भी सेम बात है, आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति वो क्या कहलाती है? भाव हिंसा। और वो भाव हिंसा भी दो प्रकार की हो रही, स्वाकी भाव हिंसा और पर की भाव हिंसा। स्वाकी भाव हिंसा रागादि भावों से हो रही है, और पर में जो रागादि भाव हो रहे हैं वो पर की भाव हिंसा। रागादि करके अपना घात कर रहा है वो अपनी भाव हिंसा, और अन्य के घात का विचार कर रहा है पर की भाव हिंसा। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप सोचो, पहले नंबर तो पर का विचार करना ही पाप है। स्वरूप संबोधन स्रोत की और मार्मिक गाथा है जो विचार करना चाहिए हमें, उत्तमः स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमः, अधमः काम चिंता स्यात् पर चिंता अधमाधमः। क्या बोला कि उत्तमः स्वात्म चिंता स्यात्, कि सर्वश्रेष्ठ क्या है उत्तम में उत्तम? आत्मा का चिंतन करो, बराबर, आत्मा का चिंतन करो, ये उत्तम में उत्तम है। दूसरे नंबर की बात, आत्मा का चिंतन करना उत्तम है तो शरीर के चिंतन को भी मध्यम बोला। समझ में आया कि आप ये शरीर का विचार करो कि इसे क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, दवा उसको देना है कि नहीं देना, ये विचार को भी मध्यम श्रेणी में। और गजब बात बताऊं, भोग आदि की चिंता को भी अधम रख, अधम, लेकिन पर चिंता अधमाधमा, कि पर की चिंता में जाओ, दूसरे के चिंतन में पड़े रहो, तो वो अधम से भी अधम का। क्या बोला? फिर से समझना, आत्मा का चिंतन उत्तम, भोग और शरीर का चिंतन मध्यम, बराबर, भोग का चिंतन अधम, लेकिन पर का चिंतन अधम से भी अधम, बुरे से भी बुरा। अधम मतलब बुरा। अब विचार करके देखो तो अपने को पता चलेगा कि हमारा अधिकतर समय कहां पे जाता है? पर के चिंतन में जा रहा है। तो एक बार आचार्य कहते हैं कि तुम अगर तुम्हारे खाने पीने का भी विचार कर रहे हो तो बुरा है, लेकिन दूसरे की चिंता करने से वो और ज्यादा बुरा से है। समझना है? और हम जब भी फ्री होते हैं आत्मचिंतन की बजाय किसके चिंतन में पड़े रहते हैं? इसके, उसके, उसने क्या कहा, उसने क्या नहीं कहा, किसका मैसेज आया, किसका रिप्लाई करना, किसने फोन किया, किसने क्या नहीं किया, किसने क्या पहना, किसने क्या खाया, कौन कहाँ गया, किसके स्टेटस में कहाँ बोल रहा है। तो मैं ये सब जो डोकिया करने की वृत्ति ना आम करके झांकने की, ये अधम से भी अधम। और आजकल इसके लिए प्लेटफॉर्म बन गए, पहले तो यहाँ वहां के लिए आप डिपेंड होते थे, कोई कोई थर्ड पर्सन की चर्चा करके आए तब तो आपको पता चले ना। जब से व्हाट्सएप फेसबुक सोशल मीडिया डेवलप हुई है तब से अधमाधम काम बड़े जोर शोर से चल रहा है। चल रहा कि नहीं चल रहा? अधम में अधम काम सबसे, उसका सीजन आ गया, क्योंकि अब जैसे ही व्यक्ति फ्री होता है उठाता है मोबाइल और स्टेटस देखता है, स्टेटस में पता है कहाँ होटल पे गए, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, यम्मी है, बराबर, मतलब अधम से अधम। कोई हिल स्टेशन पे गया, बहुत बढ़िया मजे कर रहे हो, पूरा का पूरा वो अनुभव करता है। अच्छा वहां तो ऐसे करता है और घर पे जाके क्या बात करता है, बद्दा फरवा जाए से तमें जिक जता बद्दा हम करे से तमें जिक करता ना, बराबर क्या बात है। ये अधम से भी अधम काम, ये सोशली मीडिया जो है ये अधम से भी अधम काम और जोर शोर से चल रहा है। अरे एक बार तुम अपने भोग का विचार करते तो फिर भी चल जाता, लेकिन ये गांव की चिंता अधम से भी अधम। बोलो, चला गया सर प्रश्न? आपने जो कहा, हाँ 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 सर आपने जो कहा कि हिंसा का परिणाम नहीं लाना चाहिए, तो जो आपने कहा कि आत्मा आज पापी है कल देवता हो जाएगी, लेकिन आज की जो पर्याय में जो है हम उसी पर्याय के बारे में सोच रहे हैं ना। जैसे अब पाकिस्तान और इंडिया के सोल्जर्स हैं, तो हम हमारे सोल्जर्स के लिए सोचेंगे तो उनको मारने का भाव तो आएगा ही पाकिस्तान सबसे के पहले नहीं, सोल्जर्स देखो को। आप सोल्जर हो क्या, किसको क्या विचार करना, सोल्जर्स तो नहीं समझो पॉइंट से, लेकिन उसकी वजह से हम जी तो रहे हैं आराम से। देशभक्ति के लिए क्या सनी देओल बनना जरूरी है?
पॉइंट समझ में आया कि मरने मारने के अलावा भी बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। आप बात को समझने की कोशिश, जब आप आर्मी में हो ऐसे तो अपने जैनों के भी सेनापति रहे, राष्ट्रपति रहे, लेकिन वहां पर संकल्प ही हिंसा के त्यागी कि हमें मारने का भाव नहीं है, विरोधी हिंसा के रूप में उनको छूटती है। पॉइंट समझ में है? और विरोधी हिंसा के रूप में बैठे बैठे विरोध करो वो नहीं, आप रण युद्ध क्षेत्र में जा रहे हो और सामने अपने धर्म की, राज्य की, संस्कृति की रक्षा के लिए, तो वो आपकी विरोधी हिंसा है, लेकिन ना आपको जाना है ना आना है। तो प्रश्न ये कि आप ये हिंसात्मक चिंतन क्यों करो, आप ये चिंतन करो ना कि वो सुधर जाए। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, थोड़ा क्लियर होगा। कुछ नहीं, नहीं, नहीं। ना ना मन में जो है वो कह दो, नहीं तो फिर वो गैस करता है। नहीं सर, हम हिंसा का सोचे नहीं, लेकिन जैसे आप एग्जांपल हमारे सोल्जर्स पे पुलवामा अटैक हुआ, तो जाहिर है कि इच्छा तो अब हमारे सोल्जर्स की वजह से ही हम यहाँ पे शांति से रह रहे हैं, तो उनके लिए तो हमें वो भावना आएगी ही कि 1 लाख रुपए डोनेट करो ना। यू कैन डोनेट सर, 1 लाख रुप नहीं, कहने का सर मतलब डोनेट करने से वो वापस थोड़ी ना आ जाएंगे। अच्छा, तो मारने से वापस आ जाएंगे। क्या मारने, देखो ये क्या है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मुद्दा ये है कि अपने इमोशंस का निर्दोष बात, एक नंबर की बात पहले जो आपके अधिकार में नहीं है। शास्त्र में कितने पाप की परमिशन है, पहले नंबर इतना समझो, जो अनिवार्य है। गृहस्थ के लिए पाप की परमिशन तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके बिना क्या कहते हैं ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं। तो जो आपके अधिकार में है, जिनका कोई अल्टरनेट नहीं है, उतने ही पाप की आपको परमिशन है। समझ में आया? सर, अगर आप देश का नहीं आएगा उसमें, है? विरोधी हिंसा आएगा, में नहीं आएगा, लेकिन देश का हिंसात्मक सुरक्षा की बात नहीं, उसकी जिम्मेदारी दूसरे की। पॉइंट समझ में आया? आपको सपोर्ट करना है। मैं प्रॉब्लम किस पर है, प्रॉब्लम केवल इस पर है कि अपने विचार में हिंसा मुख्य नहीं होनी, संहार मुख्य नहीं होना चाहिए, सृजन मुख्य होना चाहिए। ये क्या है, बड़ी मिडिवल अप्रोच है कि भाई उसने दांत तोड़े तो हम उसके दांत तोड़ दें, उसने एक सर मारा तो हम 10। ये मध्यकालीन, जिसे कहना ना कि एक जब अपन प्राथमिक स्टेज में होते ना, तब हमें ऐसे विचार आते। अब उससे ऊपर जाओ, उतना ही पाप की परमिशन आपको जो आपके दी। अगर आप आर्मी में होते, अगर आपके कंधे पर देश की रक्षा का की जिम्मेदारी होती, बंदूक होती, तब आपको ये शिक्षा नहीं दी जाती कि भैया की मत मारो, तब तो आपका कर्तव्य बन जाता, और कर्तव्य नहीं हो करोगे तो आप दोषी कहलाओगे। लेकिन अभी आपकी ये वाली जिम्मेदारी, आप कोई देशभक्ति का भाव है, अच्छी बात है, देश पर कोई अटैक होता है, दुख होता है, वो भी स्वाभाविक है, तो उसके निवारण के लिए आप क्या करो, क्या मरना मारना यही कोई उपाय? देशभक्ति निभाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप जिस ग्रुप में भी हो अपना काम बेहतर करके भी आप देशभक्ति कर सकते हो, आप डोनेट दे के कर सकते हो, आप बच्चों को पढ़ा करके सकते हो, आप उन सोल्जर्स के बच्चों की फैमिली की जिम्मेदारी ले सकते हो। ये कौन सा कार्य है, क्रिएटिव, आपने अपने इमोशंस को यूटिलाइज किया, वेस्ट नहीं कर, पाप नहीं बांधा। बात समझ में आई कि नहीं है? मुद्दा केवल उनको चैनलाइज करने का है। आप ये समझते हैं टिट फॉर टैट, ये क्या हुआ, इमोशन को एक व्यक्त करने का उनने, और जब भी ऐसे होता है, न्यूज वाले बताते भी हैं, सही न्यूज वाले बताते भी हैं सही है कि भाई वो एक सर काटा है तो उसकी घर पे पहुंच जाएंगे, वो उसकी वाइफ कहेगी नहीं सर के बदले में सर लेकर आओ, ना ये लेकर आ रहे, भाई ये सब बातें हैं। और उस समय बहुत संख्यक लोगों को ये अच्छी भी लगती, क्योंकि अधिकतर लोग अभी उसी अप्रोच पर है, आपको उससे आगे जा। अगर आपके लिए वो कर्तव्य है तो आपका वो बनता है, तब तब शास्त्र आपको बोलेंगे नहीं, तब आप गलत नहीं, तब आपकी जिम्मेदारी है राष्ट्र सुरक्षा करने की, बराबर। अगर मैं सैनिक हूं तब मैं गन छोड़ दूं तो बोले नहीं ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि तुम सैनिक के रूप में सिलेक्ट हो, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा कर्तव्य निभाना चाहिए। अगर मैं सैनिक हूं तो मैं वो काम करूंगा, लेकिन अगर मैं सैनिक नहीं हूं
तो हिंसात्मक कार्यों की अनुमोदना की बजाय दूसरे और तरीकों से भी हम देशभक्ति को व्यक्त कर सकते। इसलिए मैंने वो जुमले में कहा था कि देशभक्ति के लिए सनी देओल ही व्यक्त नहीं करता, वो जाएगा ना हैंडपंप निकाल के ले आएगा ना 10-50, वो ही एक तरीका नहीं है, ये बॉलीवुडिया तरीका है, ये यथार्थ नहीं। यथार्थ तरीका बहुत अलग हो सकता है। आप जो भी काम करते हो, ट्रैफिक रूल फॉलो करो, एजुकेशन करो, कराओ, हेल्थ का काम करो, जो सार्वजनिक ऐसे काम करो, उनमें क्या है, सकारात्मकता भी है, पुण्य भी है और पवित्रता भी। और ये तो सौभाग्य की बात है कि आपके ऊपर ऐसे कर्तव्य नहीं आए कि जिन कर्तव्यों का पालन करने के लिए आपको हिंसा करनी पड़े। ये जैन लोगों ने व्यापार का चयन क्यों किया, कायर थे इसके लिए नहीं, शुरुआत से ही उन्होंने कहा कि देखो जिम्मेदारियां सबकी अलग अलग होती, एक देश चलाना है तो स्वीपर भी होना चाहिए, सैनिक भी होना चाहिए, व्यापारी भी होना चाहिए, तो हम किस रोल में फिट होंगे, हमारे धर्म के हिसाब से कौन सा रोल फिट हो, सबकी जरूरत है। लेकिन आप कहते हो कि सैनिक बनना तो फिर स्वीपर भी बनना पड़े, तो हमारे पूर्वजों ने हमें कौन सा रास्ता दिया कि एक इस प्रकार का मार्ग दिया, कर्तव्य आपको कर्तव्य रहे तो आप ऐसे कर्तव्य करो जो निर्दोष। हाँ अगर फिर भी आपके अंदर में शौर्य कूट कूट के भरा है तो आप जाओ, तब आपकी वो ड्यूटी है, लेकिन बिना काम के पाप करना उसका निषेध मैं करता हूं, और उस पाप की अनुमोदना करना उसका निषेध मैं करता हूं। वो हिंसात्मक सोच है, हमें विरोधी हिंसा की परमिशन है, हिंसात्मक विरोध करने की परमिशन नहीं। पॉइंट समझ में आएगी नहीं है क्या बोल रहा हूं, फिर से समझ लो बहुत अच्छे से, हमें किसकी परमिशन है, विरोधी हिंसा की परमिशन है, लेकिन हिंसात्मक विरोध करने की परमिशन नहीं। हिंसा मुख्य नहीं, विरोध मुख्य। और जब आप हिंसात्मक सोच अख्तियार करते हो तब आपकी हिंसा मुख्य हो जाती है, बाकी चीजें गौ। पॉइंट समझ आया कि नहीं है, देखो क्लियर। थैंक यू सर। हाँ तो ये बात को अपन थोड़ा समझते हैं। तो भाव हिंसा के बारे में बात आई कि रागादि भावों की उत्पत्ति होना, पर के बारे में ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए, आत्मचिंतन में इतने डूब जाओगी पर का ख्याल में ही नहीं आया, बेस्ट में बेस्ट तरीका है, बराबर ना। अब देखो अपन आगे चलते हैं, द्रव्य हिंसा भी दो प्रकार की होती, खुलासा करते हैं, स्व और पर की। अपने शरीर का घात करना और पर के शरीर का घात करना, पीड़ा पहुंचाना, ये माताओं बहनों का अपने शरीर का घात करना, ये माताओं बहनों का फेवरेट भूल है। कि मतलब क्या करते थे पहले, अभी तो पता नहीं, बहुत कम होगी, समझदार होगी, कभी गुस्सा आता था सर फोड़ने लगती, ये क्या है है वस्तु वस्तु बिगाड़ रहे हो, बराबर, मतलब एक प्रकार से आत्महत्या तो नहीं कर रहे लेकिन प्राण पीड़ित आप कर रहे हो अपने, ये चीज ठीक नहीं। इमोशनल कंट्रोल आपके ऊपर होना चाहिए। किसी आपका ये शरीर धर्म का उपकरण है और धर्म के उपकरण को बिगाड़ने की परमिशन किसी भी धर्मात्मा को नहीं। ये शरीर क्या है, आपको भले ही लगता होगा भोगों का उपकरण, लेकिन जिनवाणी तो कहती है ये तो हमने भैया तुम्हें धर्म साधने का एक साधन दिया, बराबर, धर्म साधने का साधन, जैसे जिनवाणी है ना पढ़ने का साधन है, हमें गर्मी लगती तो हम पंखा करने लगते, तो पंखा करने का साधन थोड़ी जिनवाणी था, वो तो ज्ञान का साधन। ऐसे शरीर भी हमारे लिए भले हम कुछ भी करें, आचार्यों ने तो इसे धर्म का साधन ही माना है। अब उस धर्म के साधन को आपको तोड़ने का अधिकार नहीं। आपको ऐसे कोई भी काम नहीं करना चाहिए कि जिस कार्य से ये धर्म का साधन बिगड़े। इवन देन एक बार जब मैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ रहा था, बोलो इतल पे, अपने सपोज कोई ने डायबिटीज हो अने बहुत शुगर खाए खाया रखे तो शरीर ने नुकसान थाय तो ई पण આવી જાય ને સ્વ સવાલ જ 600 હું આ પોઈન્ટ પર આવવાનો છું, સારું તમને પ્રશ્ન કર્યો, સોરી, ના ના એ બહુ સારું કર્યું કે એને મને મને થોડું લોકોને પણ લાગે કે ના ના પંડિતજી ને જ અગત્યનો નથી લાગતો, બીજા કોઈને પણ અગત્યનો લાગે છે। જો એક વસ્તુ સમજવાની, હું બે વસ્તુ કહેવા માંગુ છું। खान पान मां पण कोई पण व्यक्ति अनिष्कारक अभक्ष की क्या परिभाषा है,
अनिष्ट कारक, कि जो वस्तु शास्त्रोक्त रीति से बुरी नहीं लेकिन आपके लिए जाकर बुरी हो जाती, तो उस वस्तु के सेवन का भी त्याग करना। देखो भोजन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं, बराबर, भोजन देह चलाने का साधन। अब ऐसी चीज जिसको चलाने में देह बिगड़ जाए तो फिर उसको करने का क्या मतलब, और तीव्र राग के बिना क्या वो पॉसिबल। आप डॉक्टर मना कर रहे, परिवार वाले मना कर रहे, तो भी छुप छुप के खा रहे, चोरी कर करके किसी को पता ना चलता है। अभी इतना तीव्र राग जिससे शरीर आत्मघात है, ये भी क्या है, एक प्रकार का आत्मघात। किसी भी जीव को, मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी जीव को लीगली इस धर्म के उपकरण को बिगाड़ने का कोई हक नहीं, क्योंकि ये आपको पूर्व की धर्म आराधना से मिला है। ये शरीर आपको कैसे मिला, मौज मजे से नहीं मिला। मौज मजे से अगर आपको जो शरीर मिलता है वो तो नारकियों का शरीर होता है, त्रेंचों का शरीर होता है, पशुओं का शरीर होता है। तो अगर मौज मजे से मिला होता तो मौज मजे में लगा देते। ये मिला धर्म ध्यान के फल से है, इसीलिए जिस फल से मिला है उसमें ही लगाना चाहिए, आपको उसे बिगाड़ने का हक नहीं। इसीलिए अभक्ष भक्षण के द्वारा, और एक और बात में मैं जो पुरुषार्थी उपाय के ऊपर कह रहा था कि वहां पे टोडरमल जी साहब ने बोला हाईली एडवेंचरस काम नहीं करने, ऐसे काम जिन पे आपके प्राणों का संकट हो जाए वो नहीं करना। फिर लगा ये क्यों बात हुई साहब, इसमें तो ये तो कायर बनाने वाली बात है, हमें तो सूरवीर होना चाहिए है? पहले जैन लोग हैं वो क्या कहते हैं, दीप और आइलैंड की खोज में ये यूरोपियंस की जैसे क्यों नहीं निकले, पोर्तुगीज के जैसे, यूरोपियन के जैसे क्यों नहीं निकले? क्योंकि केवल एक भूमि के टुकड़े के लिए अपनी जान जोखिम में डालना, धन कमाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना, ये कोई बुद्धिमत्ता का सौदा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं साहब, अब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 3,000 फीट की ऊंचाई से कूदते हैं, क्यों साहब? अगर जिंदा रहे तो इतिहास में अमर हो जाएंगे, और अगर कुछ पैरासूट खराब हो गया तो मर जाएंगे। मतलब ऐसे काम की शास्त्र परमिशन नहीं देते, क्यों? क्योंकि तुम धर अपने शरीर की कीमत नहीं समझते। ये धर्माराधना के लिए मिला है और तुम मान के पोषण के लिए इसे लगा रहे, विचार करके। बहुत सारे ऐसे जो कौतुक वाले काम है आजकल, ये सब बहुत चल रहा, लोग इसमें बड़ा वो उसे क्या बोलते हैं अपन, एडवेंचरस, बहुत सारी चीजें होती ना, क्या क्या नाम आते हैं, लोगों को बहुत वो अच्छी लगती है साहब। वो बाइक लेकर लद्दाख जा रहे हैं, क्या बड़ा एडवेंचरस होता है साहब, रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, बड़ा एडवेंचरस होता है, बराबर। मतलब पैरासूटिंग पैराग्लाइडिंग ना जाने क्या क्या। आचार्य कहते हैं अपनी, तुम्हें इतने ही अखतरे करने का शौक है तो अपनी दीक्षा लो, जितने अखतरे हैं वो हो जाएंगे सारे ये, लेकिन धर्म की आराधना में तुम करो। लेकिन तुम मान बढ़ाई के लिए सारे अखतरे कर रहे हो, ये तुम शरीर की कीमत नहीं समझ, ये तुम्हें बहुत पुण्य से मिला है तो इसे पुण्य कार्य में लगाओ। ये क्षणिक नाम के लिए कि दुनिया मुझे जाने, ये करे कितनी भी टैटू बनवा रही, पूरे शरीर पे टैटू बना, क्यों साहब? लोगों को अच्छा लगता है। अरे तुम शरीर को पीड़ित क्यों कर रहे हो भैया, गजब। टैटू के नाम पे स्वयं को पीड़ित करना कल्चर, और एक उपवास करो तो हिंसा, ये कितने डबल स्टैंडर्ड हमारे हैं। मतलब एक को आप बोलते ये तो बड़ी गजब बात है, बहुत शानदार बात है, मतलब, और दूसरे को ऐसे बोले स्वा के घा प्राणों का घात तो